नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का साहित्य ज्योति में। आज की इस वीडियो में हम लोग सुषमा अग्रवाल जी द्वारा रचित नया रास्ता के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। आने वाले जो मेहमान थे, मेहमानों को विशेष महत्व क्यों दिया जा रहा था? तो देखिए, आने वाले जो मेहमान थे उन्हें मीनू की जो तस्वीर थी वो पसंद आ गई थी और वे मीनू को रिश्ते के लिए, ठीक है, मीनू को रिश्ते के लिए देखने के लिए आने वाले थे, इसलिए मेहमानों को मीनू के परिवार के द्वारा विशेष महत्व दिया जा रहा था। आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। यहाँ रहा हमारा दूसरा प्रश्न कि आने वाले मेहमान से परिवार के लोगों को क्या उम्मीद थी? जो मेहमान आने वाले थे उनसे परिवार के लोगों को क्या उम्मीद थी? तो देखिए, आने वाले जो मेहमान थे, मेहमान से परिवार के लोग ये उम्मीद लगाकर बैठे थे कि मीनू उन्हें पसंद आ जाएगी और वे लोग मीनू के रिश्ते के लिए हामी भर देंगे, ठीक है, यानी कि मीनू से शादी तय हो जाएगी। तीसरा प्रश्न देखिए, लेखिका मीनू को दृढ़ता और साहस की मूर्ति क्यों कह रही है? सर, होता क्या है कि मीनू का जो रिश्ता होता है वो बार बार टूट जाता है, लेकिन रिश्तों के टूटने के बावजूद भी मीनू जो है वो जिंदगी से नहीं हारती है और वह दृढ़ निश्चय करती है कि जब तक वह अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाएगी तब तक शादी नहीं करेगी, क्योंकि बहुत ही कम लड़कियों में देखने को मिलता है। अक्सर क्या होता है, परिवार के दबाव में वो टूट जाती है, परंतु मीनू के साथ ऐसा नहीं होता है। इसी कारण क्या है, लेखिका ने उसे दृढ़ता और साहस की मूर्ति कहा है। चौथा प्रश्न देखिए कि विवाह के अलावा मीनू के जीवन का लक्ष्य क्या था? तो उत्तर आप सभी जानते हैं कि विवाह के अलावा मीनू के जीवन का लक्ष्य वकालत की पढ़ाई कर अपने पैरों पर खड़ा होना था। आगे के प्रश्न देखते हैं। मीनू समाज के झूठे आवरण को हटाकर एक सत्य दिखाना चाहती थी, ठीक है, ये पंक्ति है। मीनू समाज के जो झूठे आवरण थे उनको हटाकर सत्य को उद्घाटित करना चाहती थी, स्पष्ट कीजिए। देखिए, मीनू समाज द्वारा बनाए गए जो नियम थे उनको हटाकर एक नया रास्ता, एक नया सत्य दिखाना चाहती थी। और समाज में क्या होता है, समाज की मान्यता है कि लड़कियाँ जब 18 वर्ष की आयु पार कर लेती हैं, परिवार की हमेशा यह इच्छा होती है कि उनका विवाह कर दिया जाए, घर की चार दीवारी में उनको कैद कर दिया जाए, परंतु मीनू जो है वो इन तमाम सामाजिक जालों को, सामाजिक आवरणों को हटाकर दिखाना चाहती है कि विवाह से अलग भी एक नया रास्ता होता है जिसमें जो लड़की है वो अपने पैरों पर खड़े होकर अपने परिवार में और अपने समाज में सबका नाम रोशन कर सकती है। आगे का प्रश्न देखिए, छठा नंबर प्रश्न, धनीमल और मायाराम कौन है, उनके बीच क्या बातचीत हो रही है? तो देखिए, धनीमल शहर के एक बहुत ही बड़े धनी व्यक्ति थे, जबकि मायाराम जो थे वो अमित के पिताजी थे, ठीक है। धनीमल और मायाराम के बीच अमित और सरिता के रिश्ते की बात हो रही थी। ये जो धनीमल थे, धनीमल की पुत्री का नाम ही क्या था, सरिता था, और वे अमित के लिए सरिता का रिश्ता लेकर आए थे, ये आपको पता ही है। सातवां नंबर प्रश्न देखिए, अमित और सरिता किस विषय में बात कर रहे थे? अमित और सरिता जो है, अमित सरिता को देखने के लिए आया है विवाह के लिए, और वे दोनों एक दूसरे की पसंद, नापसंद, रुचि, अरुचि के विषय में बातचीत कर रहे थे। इसके बाद देखिए आठवां नंबर प्रश्न, एक सेकंड रुकिए, आठवां नंबर प्रश्न देखिए कि जी यह जो पंक्ति है कि मुझे पेंटिंग व कार ड्राइविंग में विशेष रुचि है, स्पष्ट कीजिए। यह पंक्ति जो दी गई है, देखिए यह जो कथन है, यह जो पंक्ति है वो धनीमल की पुत्री सरिता का है, ठीक है। जब अमित जो है वो सरिता को विवाह के लिए देखने जाता है और वे दोनों एक दूसरे की पसंद, नापसंद, रुचि, अरुचि पे बातचीत कर रहे होते हैं, तब जो है वो सरिता ये बात कहती है कि मुझे पेंटिंग व कार व ड्राइविंग में विशेष रुचि है, ठीक है। अमित के द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर वो पेंटिंग और
ड्राइविंग के बारे में बताती है। ठीक, आगे देखिए, इसके बाद का प्रश्न, नवा नंबर प्रश्न है कि अतीत की स्मृतियों में डूब जाने पर मीनू क्यों उदास हो जाती थी। तो देखिए, मीनू के लिए पहले भी कई रिश्ते आए थे, विवाह के लिए कई रिश्ते आए थे, लेकिन किसी ना किसी कारण से हमेशा क्या होता था, सभी मीनू को जो है नकार दिया करते थे। अतः जब भी कोई रिश्ता आता था नया, तो वो अतीत की स्मृतियों में डूब जाती थी और उसका मन जो है एकदम उदास हो जाया करता था। दसवां नंबर प्रश्न, कई लड़के उसे नापसंद कर चुके थे। इस पंक्ति के बारे में हमें स्पष्ट करना है। आप जानते हैं यहाँ पर मीनू के बारे में कहा जा रहा है कि मीनू जो थी, उत्तर देखिएगा, मीनू जो थी वो सामान्य कदकाठी की थी, मतलब सामान्य लड़की थी, देखने में थोड़ी सावली सी थी, परंतु बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं थी। इस कारण मीनू को लोग क्या कहते थे, रूप रंग के कारण उसे पसंद नहीं करते थे। अक्सर लोग क्या करते थे, मीनू को उसके रूप रंग के कारण ही देखते थे, क्योंकि रूप रंग से वो बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं थी, थोड़ी सी सांवली थी और सामान्य उसका कदकाठी, सामान्य रूप रंग था, इसीलिए लोग उसे पसंद नहीं करते थे, उसे नकार देते थे। ग्यारहवां नंबर प्रश्न देखिए, मीनू अपनी सहेलियों के साथ कहाँ जा रही थी। उत्तर देखिए, मीनू अपनी सहेलियों के साथ हॉस्टल के बाहर कैंटीन में समोसे खाने और चाय पीने जा रही थी। बारहवां नंबर प्रश्न, नवयुवक कौन है। नवयुवक आप जानते हैं यहाँ पर अमित है, जो एक बार मीनू को विवाह के लिए देखने आया था। अगला प्रश्न, मीनू उस नवयुवक को देखकर क्यों चौंक गई। तो मीनू को नीलिमा की शादी में, मीनू नीलिमा की शादी में नवयुवक अर्थात अमित को देखने की कोई भी आशा नहीं थी। उसे ऐसा बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि उसकी मुलाकात अमित से हो जाएगी, इसलिए जैसे ही वो अमित को देखती है वह एकदम से चौंक जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनू अपनी प्रशंसा सुनकर खुश क्यों नहीं हुई। मीनू अपनी सुंदरता की प्रशंसा सुनकर भी प्रसन्न नहीं हुई, क्योंकि उसके रूप रंग के कारण ही बहुत से लड़कों ने उसे नापसंद किया था। अक्सर उसके रूप रंग के कारण ही उसे नापसंद कर दिया जाता था, इसलिए उसे अपनी सुंदरता पर इतराना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए जब उसकी प्रशंसा की जाती है तो उसे कोई भी खुशी नहीं होती है। आगे के प्रश्नों को देखते हैं, हमारे समाज में लड़के के विवाह की अपेक्षा लड़की के विवाह को आज भी इतना महत्व क्यों दिया जाता है। देखिए, हमारे समाज में यह विश्वास किया जाता है कि लड़कियों के जीवन का मुख्य उद्देश्य ही क्या है, घर की चार दीवारी के भीतर रहना है। इसीलिए आज भी जल्द से जल्द क्या किया जाता है कि लड़की की शादी कर दी जाए, इसीलिए शादी को विशेष रूप से महत्व दिया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, नीलिमा कौन है और वह मीनू को राय क्यों दे रही थी। उत्तर देखिए, नीलिमा मीनू की सबसे प्रिय सहेली थी। नीलिमा का जो भाई था अशोक, वो मीनू को पसंद करता था और मीनू को विवाह करने के लिए वह उसे सलाह दे रही थी। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया ना कि वो मीनू को क्या राय दे रही थी, क्या सलाह दे रही थी। तो वो मीनू को कहती है कि तुम मेरे भाई अशोक से विवाह कर लो, क्योंकि अशोक भैया जो हैं वो तुम्हें पसंद करते हैं। ठीक है, तो वो इसी यही राय दे रही थी। इसके बाद सत्रहवां नंबर प्रश्न देखिए, शादी के नाम से मीनू उदास क्यों हो जाती है। जैसे ही जब भी शादी की बात की जाती है, अक्सर मीनू क्या है, उदास हो जाती है। तो यहाँ प्रश्न है कि क्यों, आइए उत्तर देखते हैं। बार बार जो है वो रिश्ता टूटने के कारण उसका मन और उसका हृदय जो है वो बिल्कुल ही दुखी हो गया था, और अमित के घर वालों ने रिश्ते से इनकार कर दिया, जिससे क्या होता है, मीनू का हृदय जो है वो एकदम से ही टूट जाता है। अतः जब कभी भी शादी की चर्चा चलती तो मीनू का मन जो है वो एकदम ही उदास हो जाती थी, मीनू जो है वो एकदम ही उदास हो जाती थी। 18वां नंबर प्रश्न देखिए, नीलिमा उसकी यानी मीनू की शादी के लिए इतनी उत्साहित क्यों है। उत्तर देखिए, नीलिमा का जो भाई है अशोक, वो मीनू को पसंद करता है, अतः नीलिमा क्या चाहती है कि मीनू जो है वो विवाह के लिए तैयार करे, मतलब अपने भाई से शादी के लिए मीनू को किसी न किसी तरह मनवाए, उसकी शादी यानी मीनू की शादी उसके भाई से हो जाए, अपने भाई से करवाना चाहती है, इसीलिए वह मीनू के विवाह को लेकर इतनी ज़्यादा उत्साहित थी। आगे के प्रश्न को देखते हैं,
देखिए यहाँ पर दो प्रश्न है, 19 नंबर प्रश्न और 20 नंबर प्रश्न, इन दोनों प्रश्नों के एक ही उत्तर होंगे। क्या उत्तर है देखिए, वर्षों के प्यार दुलार के बाद लड़की को बिछोड़ना क्यों पड़ता है, यह प्रश्न आए या फिर ये प्रश्न आए कि बेटी पराया धन होती है का अर्थ स्पष्ट करें, तो आप इसका ये उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, क्या उत्तर है कि हमारे समाज में परंपरागत रूप से लड़की को ही पराया धन माना जाता है। ठीक है, अक्सर आप सुनते होंगे हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि लड़की तो पराया धन होती है। ठीक है, तो माँ बाप की जिम्मेदारी तभी तक स्वीकार की जाती है जब तक वे उसका विवाह ना करवा दे। एक बार विवाह करवा दिया तो वे समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। अतः विवाह के बाद क्या होता है, स्त्री अपने पति और ससुराल की संपत्ति मात्र बनकर रह जाती है। इसी कारण क्या कहा गया है कि बेटी पराया धन क्यों होती है। तो इसमें जो प्रश्न पूछा गया है कि वर्षों के प्यार दुलार के बाद लड़की को बिछोड़ना क्यों पड़ता है, क्योंकि माता पिता जो है उसका विवाह करवा देते हैं, और दूसरा जो ये प्रश्न है कि बेटी पराया धन होती है, तो ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारे समाज में परंपरागत रूप से ही माना जाता है कि लड़की जो है पराया धन है और माता पिता की जिम्मेदारी तभी तक बनती है जब तक उसका विवाह नहीं हो जाता है। एक बार जैसे ही विवाह हो जाता है वो अपने पति और ससुराल की जिम्मेदारी होती है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कि दीपक कौन है, तो देखिए दीपक धनीमल की पत्नी का भतीजा है। 21वां नंबर प्रश्न कि दीपक की शादी में जाने के लिए लोग क्यों उत्साहित थे, तो देखिए धनीमल की पत्नी कई वर्षों से अपने भाई के घर नहीं गई थी और ना ही उससे मिल पाई थी, तो दीपक की शादी के बहाने वो अपने भाई और अन्य रिश्तेदारों से मिलना चाहती थी, इसीलिए वो शादी में जाने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित थी। अगला प्रश्न, अमित मीनू के आने पर क्यों खुश हो गया, देखिए अमित जो था वो अपने माता पिता के दबाव के कारण ही मीनू से विवाह नहीं किया था, मीनू से विवाह करने के लिए मना कर देता है, और मीनू जो है वो अमित से घृणा करने लगी थी, इसलिए अमित ने ये कल्पना भी नहीं की थी कि वह उससे मिलने आएगी। लेकिन मीनू जब अमित से मिलने जाती है तो अमित जो है उसे देख कर बहुत ज्यादा खुश होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, देखिए मीनू के वकालत पास करने से उसके परिजनों को विशेष खुशी क्यों हुई, तो देखिए मीनू ने वकालत पास करने के साथ ही यह सिद्ध कर दिया कि आज के आधुनिक दौर में लड़कियां जो हैं वो किसी से कम नहीं हैं और अपने मेहनत और लगन के बल पर वो सफलता हासिल कर एक नया रास्ता तलाश सकती हैं। इसी कारण उसके सभी जो परिजन रहते हैं, माता पिता होते हैं, वो सभी वकालत पास करने पर काफ़ी खुश होते हैं। 25वां नंबर प्रश्न, समाज में स्त्री पुरुष में इतना भेद क्यों है, तो देखिए हमारा जो समाज है वो पुरुषवादी विचारधारा पर आधारित है। स्त्री को केवल घर की चार दीवारी के भीतर रहकर सुख सुविधाओं का ख्याल रखने की जिम्मेदारी दी जाती है, तो ये जो हमारा समाज है वो लिंग आधारित पारिवारिक और सामाजिक संरचना के कारण स्त्री को पराया धन मानते हुए स्त्री पुरुष में भेद करता है, उनके कार्यों में भेद करता है, उनकी क्षमताओं में भेद करता है, जो कि सही नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, लड़की के जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों आती हैं, उत्तर देखिए सामाजिक असमानता के कारण लड़के और लड़की में काफी भेद की जाती है, और लड़कियों को सामाजिक जो समता के अवसर होते हैं, समानता के अवसर होते हैं, ना मिलने के कारण ही लड़कियों को अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सामाजिक समानता का अवसर कहने का मतलब यहाँ पर क्या अभिप्राय है कि आप लड़कों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं पर लड़की को स्कूल नहीं जाने दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, लड़कियों को उनकी अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, इसी कारण लड़कियों को कई बार अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, 27वां नंबर प्रश्न देखिए, सामाजिक बंधन से क्या मीनू मुक्त हो सकी, तो देखिए जब मीनू वकील बन जाती है, वकालत की पढ़ाई पूरी कर लेती है, तो हाँ बहुत हद तक वो खुद को सामाजिक बंधनों से, उन रूढ़िग्रस्त बंधनों से खुद को मुक्त करने में सफल रहती है। आगे के प्रश्न देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर 28वां नंबर प्रश्न देखिए कि विशेष ख्याति से क्या तात्पर्य है, उत्तर देखिए विशेष ख्याति का संबंध मीनू के परिश्रम के बल पर वकालत पास कर एक वकील बनने से है। मीनू जब वकालत की पढ़ाई पूरी कर लेती है और एक बहुत ही प्रसिद्ध वकील बन जाती है तो उसे एक विशेष ख्याति मिलती है। ठीक, आइए
अब 29 नंबर प्रश्न देखते हैं, जो कि इस पाठ के दो बड़े प्रश्न हैं, ठीक है। सबसे पहले एक प्रश्न ये वाला देख लेते हैं, 29 नंबर, कि उपन्यास के आधार पर मीनू का चरित्र चित्रण कीजिए। तो देखिए, नया रास्ता जो उपन्यास है सुषमा अग्रवाल जी का, उसका जो मुख्य पात्र है वो मीनू ही है, ठीक है। उसकी जो मुख्य पात्र है वो मीनू ही है, क्योंकि आधुनिक नारी है और उसके चरित्र में हमें बहुत सारी विशेषताएं देखने को मिलती। सबसे पहली विशेषता यह है कि वो सुशील और शिक्षित है। मीनू जो है वो बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं है, औसतन सुंदर है, लेकिन पढ़ी लिखी बहुत है, पढ़ी लिखी और सुशील बहुत है, और अपने प्रत्येक परीक्षा को वो प्रथम श्रेणी से पास किया उसने। घर के सभी कार्यों में, कढ़ाई बुनाई में, तमाम कार्यों में बहुत ही निपुण है। इसके अलावा उसकी दूसरी विशेषता क्या है कि वो बहुत ही परिश्रमी और कर्मठ है, बहुत ज़्यादा ही परिश्रमी है, मेहनती है, उसके स्वभाव में मेहनत है, इसी कारण वो पढ़ाई में हर बार प्रथम आती है। वह अपने जीवन के प्रत्येक कार्यों को बड़ी ही कुशलता के साथ पूरा कर सकती है, पूरा कर लेती है। तो ये उसके चरित्र के कुछ खास विशेषताएं हैं, ठीक है। ये देखिए, और भी विशेषता क्या है कि बहुत ही स्वाभिमानी है, ठीक है। उसके स्वाभिमान पर ठेस लगता है जब अमित उससे विवाह करने के लिए मना कर देता, और तभी वह ठानती है कि वह विवाह से इतर अपने लिए एक नया रास्ता चुनेगी। इसलिए क्या है, मीनू बहुत ही स्वाभिमानी है और उसे साथ ही साथ अपने पर पूर्ण विश्वास है। वो समाज को दिखा देना चाहती है कि वो अपने परिश्रम के बल पर कोई सफलता हासिल कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। इसके अलावा वो साहस और धैर्य की मूर्ति है, क्योंकि अपने जीवन में जब वो परिश्रम करती है तो उसे मार्ग में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, परंतु अपने साहस के बल पर जीवन के समस्त समस्याओं से जूझती हुई वो आगे निकलती है। तो ये मीनू के चरित्र की कुछ विशेषताएं हैं। अब आखिरी प्रश्न जो है वो है कि अमित के चरित्र की कुछ विशेषता बताइए। तो देखिए, नया रास्ता जो उपन्यास है उसमें मीनू के बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पात्र है या दूसरा महत्वपूर्ण चरित्र है वो अमित का ही है। उसके चरित्र में हमें क्या विशेषता दिखाई देती है? पहली तो ये कि वो बहुत ही आज्ञाकारी बेटा है, इसीलिए अपने माँ बाप के कहने पर वो क्या करता है, मीनू से विवाह करने के लिए मना कर देता है। मन से तो उसकी इच्छा नहीं थी, परंतु वह क्या बोलता। इसके अलावा वो अपने माता पिता का बहुत सम्मान करता है, उनकी बातों का आदर करता है, बातों का आदर यहाँ लिखिएगा करता है। इसके बाद दूसरा कि वह एक चरित्रवान है, ठीक है। आदर्श अमित जो है, माफ कीजिएगा, अमित जो है वो एक चरित्रवान नायक है। अपने माता पिता के दबाव में आने के बाद वो किसी से भी दबाव में आने के कारण वो मीनू से विवाह के लिए मना तो कर देता है, परंतु किसी अन्य से विवाह करने के लिए तैयार भी नहीं होता है, क्योंकि उसका मन कहीं ना कहीं मीनू को पसंद करता था। तो यह इस पाठ के कुछ प्रश्न उत्तर हैं, जो कि पाठ के एकदम अंतिम पृष्ठ पर आपको देखने को मिलेंगे, जिसे आप कर सकते हैं। परीक्षा में इनमें से बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस वीडियो में इन प्रश्नों की चर्चा की गई है। आशा है कि ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे और इससे आपको इस पाठ को हल करने में मदद करेगी। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ धन्यवाद।